अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ ए और बी पार्ट में नहीं डिवाइडेड है, ये दोनों पार्ट दिए हुए साथ में, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद विल सी हाउ टू हैंडल इट। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज्ड सोशल एग्जिस्टेंस, डिस्कस हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव गिविंग एग्जाम्पल्स शो हाउ द टू डिफर इन देयर अप्रोचेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लॉ एंड एथिक्स डिबेट या लॉ वर्सेस एथिक्स की बात हमेशा से होती आई है, जब एथिक्स की बात होती है जब लॉ की बात होती है। सवाल यह है कि वो सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस के लिए कंड्यूसिव पाथ बनाते हैं, कैसे कंड्यूसिव बनाते हैं। लॉ एक तरफ डिटरेंट का काम करता है, डराने का, प्यूनिटिव मेजर्स, अगर आपने चोरी करी तो आपको सजा मिलेगी, अगर आपने मर्डर किया तो आपको सजा मिलेगी, देश का कानून आपको आड़े हाथों लेगा और आपको सजा दिलवाएगा। एथिक्स आपको वैल्यू सिस्टम देगा, ये बताएगा कि मर्डर करना अपने आप में गलत है, खून करना अपने आप में गलत है या चोरी करना अपने आप में गलत है। ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही हैं, ये सही और गलत के बीच में जो अंतर है या जो आपको डरा के रख रहा है, तो एक तरफ हो गया आपका लॉ जो कि आपको डरा के किसी चीज़ से रोकेगा, और एथिक्स आपको सही सिस्टम बताएगा, सही चीज़ बताएगा, वैल्यू सिस्टम आपको डेवलप करेगा। उस तरह से एक आपका जो सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस है उसके लिए दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तरफ लॉ आपको रोक के डंडा लेकर और दूसरी तरफ एथिक्स प्यार से समझा के आपका दिमाग और इवॉल्व करके कि नहीं ये गलत है, मर्डर नहीं करूँगा भले इसके लिए कानून हो या नहीं हो, किसी मासूम की जान लेना दैट्स नॉट ओनली अ क्राइम दैट्स अनएथिकल टू। तो लॉ रोकेगा उसे क्राइम के हिसाब से, कानून के हिसाब से आईपीसी और बाकी जो धाराएं लगेंगी वो लगेंगी, और एथिक्स के अंदर वो आपको सही चीज़ बताकर, इस तरह से दोनों में अंतर होता है। और आप चाहे चोरी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मर्डर का, या कोई भी और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं।